आज हम आईफोन 12 और सीपीओ है A14, इस पे रैम लगा के दिखाएंगे लाइव। आप इसे चालू करो सर। ओके, ये फोन प्रॉपर चालू हो गया। सेम रैम नंबर होना चाहिए तो चलेगा। में iPhone 12 है और CPU है इसमें A14। एम लगा के दिखाएंगे। अब ये चालू मदरबोर्ड है ना हमारा। हाँ, ये 100% वर्किंग मदरबोर्ड। अभी हम चेक करेंगे, पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। मैं फिलहाल हूँ इस टाइम हैदराबाद, और हैदराबाद के अंदर एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है जिसका सिर्फ एप्पल iOS मतलब एंड्रॉइड वाला कोई मैटर नहीं, ओनली iPhone की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम है रीलाइव ARC इंस्टीट्यूट है ये, और हैदराबाद के अंदर है। तो भाई यहाँ पे स्पेशली 2 दिन का डेमो दिया जा रहा था, शायद आप वीडियो देख रहे होंगे, वो डेमो मिस हो गया आपसे। ठीक है, तो ये डेमो के ही बंदे बैठे हुए हैं डेमो लेने के लिए। आज हम यहाँ पे लाइव इनके सामने, कल भी डेमो ले चुके हैं, आज सेकंड डे है डेमो का, और इन्होंने कल भी देखा था कि सीपीओ को कैसे लगाते हैं, फेस आईडी को कैसे रिपेयर किया जाता है, और आज हम आईफोन 12 और सीपीओ है A14, इस पे रैम लगा के दिखाएंगे लाइव, ओनली लाइव डेमो वीडियो। ये डेमो वीडियो में जो कभी किसी ने शायद किया नहीं होगा सर, ऐसे ही है? बहुत रेयर है। अच्छा, बहुत रेयर है। ठीक है, तो आज हम इसे देखेंगे, और सर हमारे साथ हैं। सर का नाम है सर रिंकेश पाठक। रिंकेश पाठक, मैं अजय मैथिल। ठीक है, और भी सर हैं, सर अभी बैठे हुए सीट पे, और मलिक सर भी हैं। मलिक सर, थोड़ा नाम बताओ सर उनके। हमारे सर हैं अब्दुल रहमान भाई। अच्छा, और मल्लिका अर्जुन करके हमारे एक और सर हैं। तो उन्हें थोड़ा सा कहीं अर्जेंट में जाना पड़ गया। हाँ। कोई नहीं, हम आपको वो चीज करके दिखाते हैं। तो आ जाओ सर, आओ, पहले ये डेमो चालू करके दिखाओ ये फोन। अभी हम लोग ये बोर्ड को ऑन करके दिखाएंगे, देन इसका रैम हम लोग क्लीन करके और बना के आपको दिखाते हैं लाइव एकदम। ठीक है, ये तो पहले फोन चालू करके दिखाओ सर। ये लो, ये फोन प्रॉपर चालू हो गया ब्रो। वो आई बटन दबा के दिखा। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये ऑलरेडी सीपीयू रिबॉल करे सो फोन है, कल वीडियो में बताया। हाँ, ये बोर्ड है, कल जो डेमो वीडियो में किया था हमने। इधर देख सकते हो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर दिखाओ, ऊपर कैमरा में नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, आ गया। ऑलरेडी रिबॉल करे सो है ये सीपीयू, इसको अपन रैम बना के बताते हैं। अच्छा, इसमें आज आप रैम बना के दिखाओगे। ऑलरेडी रिवॉल्व सीपीयू है, ऑलरेडी रिवॉल्व सीपीयू, इसको रैम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो। मतलब एप्पल का है, इसका रैम का नंबर है वो। अच्छा, ये रैम नंबर है ये। हाँ। ठीक है, और एक सीपीयू में ऊपर रखा, देखो सेम A14 सीपीयू है, एपीएल है, 00797 है। थोड़ा नीचे करो सर, ऊपर नहीं। हाँ, ये भी 0079 797 है, और जो दूसरा वाला है, दूसरा दिखाना सर। और एक रैम रहता, ये भी, और एक A14 सीपीयू था ये भी। हाँ हाँ, फिर इसका नंबर देखो 800, ये 797, ये रैम डाले थे, नहीं चलता है, नहीं चलता, ये रैम चलता नहीं है। नहीं, वो सेम नंबर रैम डालना है। अगर सेम रैम नंबर होना चाहिए तो चलेगा। हाँ, चलेगा। ठीक है, 797, ठीक है, ठीक है, ओके, करो स्टार्ट करो। अच्छा, ये क्या लिया हमने? ड्रिल, एक ग्राइंडर है, एक ग्राइंडर है। हाँ। तो इससे क्या कर रहे हैं हम? ये ऑलरेडी अपन सीपीयू को रिबॉल करके डाले ना। हाँ। तो इसको ब्लोअर से कट करके करने के टाइम पे वो बॉल्स पूरा मेल्ट हो जाता, फिर सीपीयू खराब होता। अच्छा। जितना तक लेयर है उतना तक अपन कट करके, बाकी का लेयर ब्लेड से कट करके, उसको सीपीयू का हान नहीं रहता। अच्छा। दूसरा रैम डाल सकते भाई। ठीक है, इसमें उनके बोलने का मतलब ऐसा है कि जो सीपीयू एक बार रिवॉल्व हो गया। हाँ। तो उसको रैम निकालने का जो तरीका है ये है। अगर सीपीयू नहीं निकला है। हाँ। तो वो करने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, ये तरीका सेफ है, सीपीयू निकाला हुआ सीपीयू जो होता है उसको यही तरीका जो है ये सेफ है। मैं आसान सी भाषा में बोलूं कि जिसका हम सीपीयू रिवॉल्व कर चुके हैं तो अगर उसका रैम चेंज करना तो वो ग्राइंडर से कट करके ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, करो सर, स्टार्ट करो।
आप यहाँ जाओ। जो उसका लेदर था ऊपर का ब्लैक लेदर वो भेज दिया। ऊपर के चार सेक्शन होते रैम को, वो चारों सेक्शन आपने देखे हुए ग्लास के दिख रहे थे पहले, हाँ वो निकाल दिया। अब यहाँ रुक जाना होता है, अच्छा। इसके आगे ग्राइंडर चलाए तो सीपीयू खत्म हो जाएगा। सीपीयू को लग सकता है क्योंकि देखो उसका ग्लास दिखने लगा, स्टार्ट हो गया, हाँ ग्लास दिखने लगा। ये सीपीयू है, अब जो है ऐसे ही स्लोली स्लोली करना पड़ेगा क्योंकि सीपीयू चेंजेबल नहीं होता, एक बार खराब हो गया तो वो फोन खत्म हो जाएगा। एंड्रॉइड वाला सिस्टम है, हाँ एंड्रॉइड वाला तो अभी लाया, एप्पल का पहले से थोड़ा नीचे रहना। इसको ज्यादा हीट भी नहीं दिखा सकते, जैसे ब्लोअर भी दिखा रहे ना तो हटा रहे बार बार क्योंकि नीचे सीपीयू मेल्ट हो जाएगा, ऑलरेडी रिवॉल्व किया है ना। और ये सीपीयू को भी ज़्यादा हीट नहीं देते हैं तो ब्लेड को हीट देते हैं, खाली ब्लेड गर्म करते हैं। ये अभी क्या कर रहे हैं सर, हम सेपरेट करने के बाद में उधर डीसी को देख सकते हैं आप, वैसा रख के इसको रैम बूटिंग बोलते हैं, मतलब 120 पे है ना, यू नो सीपीयू बूट होके रैम के नहीं गया, रैम नहीं है बोल के फिर सीपीयू साइकिल जीरो हो गया। सब ये बूटिंग परफेक्ट है, अब रैम नहीं है मेरा सीपीयू को रैम नहीं मिला, उन्होंने बोलने का क्या है 120 तक जा रहे, जाने के बाद में सीपीयू बूट होके रैम को जा रहे, ग्राफिक बनता है वो ग्राफिक बनाने को रैम नहीं है, फिर सीपीयू क्या है मेरा रैम मेरे को नहीं मिला बोल के जीरो हो गया, फिर ये रैम सी बूटिंग बोलते हैं इसको, रैम बूटिंग 0 to 120। ठीक है, वैसा दूसरा आईक्लाउड वाईडी बोर्ड में से अपन सीपीयू निकाल के, रैम अलग से नया मिलता नहीं है, नया नहीं मिलता, और ये हमें कोई आईक्लाउड मदरबोर्ड में से निकालना पड़ता, निकाल के सीपीयू ही निकालना पड़ता, हाँ, और उसमें से जब रैम सेव अलग करनी पड़ती, रैम अलग करना है सीपीयू को निकाल के। जी ठीक है,
ये हमारी रैम निकल गई। सेम कंडीशन आ गया। तो हमारा काम सक्सेसफुल हो गया क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगा, क्योंकि भाई जब हम कोई चीज़ करते हैं ना लाइव कर रहे, स्टूडेंट बैठे हुए हैं बिल्कुल लाइव इनके सामने हुआ, इनको पता है कि इसको सही करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि ये सर की मेहनत है और मेहनत से ही कोई काम होता है। जब आप कोई काम करोगे और काम दिलचस्पी से करोगे, मेहनत से करोगे, तो उस काम में रंग आएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया बस हो गया, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, आपको प्रॉपर काम सीखना पड़ेगा। आप एंड्रॉयड का काम तो कर रहे हो लेकिन आप एप्पल नहीं कर पा रहे, iOS नहीं कर पा रहे। तो अगर आपकी दुकान से कस्टमर वापसी जाते हैं iOS वाले, एप्पल वाले, और आपको ट्रेनिंग सीख मतलब ट्रेनिंग करनी है और काम सीखना, तो सर को कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है जो इसमें आईफोन का टॉप टू बॉटम ऑल टाइप ऑफ CPU एंड ऑल टाइप ऑफ रैम, ऑल टाइप ऑफ बूटिंग सीक्वेंस देख के प्रॉब्लम कैसे डायग्नोस करना है, सेक्शन वाइज सेक्शन पर वोल्टेजेस, कैसे कौन सा वोल्टेज फर्स्ट स्विच होता है, सेकंड स्विच होता है, सारी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट देते और सारा आपको सर ने सब लाइव करके दिखाया। तो डेमो क्लासेस में बहुत होगा, आपने डेमो क्लास देखा होगा, वो खाली ऐसे ब्लाबला करके और कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है तो काम होता है, बातें नहीं होती हैं। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो साथ के साथ हम स्टूडेंट को अपडेट करते हैं क्योंकि हम खुद अपडेट होते हैं। अगर हमारे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम वो हैंडसेट परचेज कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डायग्नोस करके उसका सॉल्यूशन खुद बनाते हैं हम लोग, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेड है। जो भी है हमारा अपना होता है, किसी से हम लेते नहीं हैं, कुछ नहीं है, हर चीज़ जैसा भी है हमारे पास सब हमारा अपना होता है, सेल्फ एक्सपेरिमेंट होता है। हम खुद फ़ोन लेके, बोर्ड लेके उसका एक कंपोनेंट तोड़ देते हैं, इससे क्या रीडिंग आ रही है, इससे क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें लोगो रिस्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा हमारा खुद का सेल्फ डायग्नोस है। अभी आपको सर ने दिखाया होगा, रैम निकाल दिया, रैम निकालने के बाद आपको दिखाया कि देखो अभी भी CPU में जान है, रीडिंग कितने तक जा रही है, कितनी रीडिंग लेती है, विदाउट रैम की क्या रीडिंग होती है, विदाउट CPU की क्या रीडिंग होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग का अपना बनाया हुआ मेथड है। हम किसी से ना कनेक्टेड है ना कुछ है, हमारा अपना सेल्फ है। आइए आप एक दिन देखिए, ये नहीं कि आप पहले, वो कोई कमिटमेंट नहीं है, फर्स्ट आइए आप देखिए, एक दिन नहीं दो दिन देखिए, आपको ठीक लगता है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फर्जी वाला कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना, जो है पूरा रियल है और एकदम प्रॉपर वे में है। और जैसे कि हमारे सर हैं, इनको तेलुगु में, जो हमारे तेलुगु वाले भाई हैं जिनको हिंदी का बहुत प्रॉब्लम है, दिल्ली वगैरह जाते हैं, लैंग्वेज की वजह से कुछ समझ में नहीं आता, तो वो लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने। हाँ, हिंदी तेलुगु दोनों ही अप्लाई है। ठीक, ఇంకొకటి ఏంటంటే అసలు విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళాలి, వెళ్ళి అక్కడ ఏదో చూపించారు అయిపోయింది, అక్కడ 10 మంది వర్క్ చేస్తున్నారు, అది చూసి ఇది మైక్రోస్కోప్ టీవీ పెట్టి ఇదంతా కాదు, ఎవరైనా మన తెలుగులో అందరూ తెలంగాణ నుంచి ఎవరైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఫోన్ కోర్స్ తీసుకోవాలి, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కన్నా వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి, ఎంక్వైరీ చేయండి, నా దగ్గరకు కూడా రండి, మా ఇన్స్టిట్యూట్కి కూడా రండి, వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైనా మీకు ఏది ప్రాబ్లం ఉంది లేదా ఒక ఫోన్ తీసుకుని రండి, లేదంటే ఒక
ఏదైనా మీకు ఏదైనా డెమో కావాలా, ఈరోజు లైవ్ డెమో ఉంది, నిన్న ఇవాళ ఇది కాదు, రేపు కూడా మీకు కావాలి, ఎల్లుండి కూడా ఫస్ట్ మా ఫ్రీ టైం చూసుకోండి. మీరు మాకు కాల్ చేస్తే సార్ నా దగ్గర ఈ రెండు డివైజులు ఉన్నాయి, ఈ రెండు డివైజులు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మాకు దీన్ని చేసి చూపించండి. మీకు లైవ్లో నా పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చెప్పగలిగితే నాకు ఇక్కడ వర్క్షాప్ ఉంది మార్కెట్లో, జగదీష్ మార్కెట్ హైదరాబాద్, అక్కడ కూడా తీసుకెళ్ళి మీకు పక్కన కూర్చోబెట్టి వర్క్ చేసి చూపించి ఇవ్వగలుగుతాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత సార్ మాకు సపోర్ట్, సార్ మాకు లైఫ్ టైం సపోర్ట్, ఇలాగ లైఫ్ టైం సపోర్ట్ అది ఇది ఏం కాదు, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఏమి ఉండదు, నార్మల్గా మొత్తం అంతా మీరు ఇక్కడే ఫుల్ ఫ్లజ్డ్గా అయిన తర్వాతే మీకు పంపిస్తాం. ఇంకా ఏదైనా మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ వర్క్ ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే ఆ వర్క్ తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ వర్క్లో దా ఇంకా ఆ లెవెల్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీకు టెన్షన్ ఉండదు. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏదైనా వస్తే మన గ్రూప్ ఉంటుంది, మనలో మనకు ఏం కావాలంటే అది సార్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతవరకు అయితే సపోర్ట్ చేయగలదు, ఎందుకంటే మొత్తం అంతా పని ఇక్కడే అయిన తర్వాత ఇంకొక మళ్ళీ లైఫ్ టైం సపోర్ట్తో ఈ పని ఉండదు. కానీ మా గ్రూప్లో మన గ్రూప్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న ఎప్పుడు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమంది ఎప్పటికీ ఉంటారు, టెన్షన్ లేదు, ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్లోనే ఉంటారు, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. సర్ కా కహనా యే హై కోయి భీ భాయి అగర్ ఐఫోన్ కా కామ్ సీఖనా చాహతా హై వో అగర్ కహీ గయే హై అగర్ వో సాటిస్ఫైడ్ నహీ హై తో ఆప్ అప్నీ దుకాన్ కా कोई भी आईफोन उठा के लेके आओ, एक लेके आओ, दो लेके आओ, तीन के लेके आओ, जिसमें आपने वो सही नहीं कर पाए या आपसे नहीं हो रहा, अगर वो यहाँ क्लियर हो जाए तो आके बोलना, ज्वाइन कर सकते हो जैसा आपको और अच्छा लगे. फर्स्ट रिजल्ट देखो फिर ज्वाइन करो. देखो इंडिया के अंदर ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ आपका मन करे उधर जाओ, किसी से कोई नहीं है, लेकिन जाना उस जगह जहाँ आपको अच्छा काम मिले, पैसा जाप दे रहे हो. यहाँ पे ना आपका मनी वेस्ट होगा और ना आपका टाइम वेस्ट होगा. जी और जगह पे क्या हो रहा है तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मनी भी वेस्ट हो रहा है और बंदे का मॉरल भी डाउन होता जा रहा है. ठीक, क्योंकि दुकान से कस्टमर वापसी जा रहे हैं. हाँ. ना कमाई कम हो रही है उनकी. उसको सही ट्रिक ही नहीं बता रहे ना, वो बेचारा गलत वे में जाते जाते और उसका मॉरल डाउन हो रहा है कि मेरे से तो आईफोन बनेगा ही नहीं. तीन दिन हो गए मुझे यहाँ पे तो आईफोन तो वैसे करता नहीं हूँ, कभी आ जाता तो बाकी मेरे को भी. हाँ आईफोन में आके कई चीज़ ऐसी नई नई चीज़ें पता चल गई हैं, जैसे आईफोन 12 में हुआ कि साउंड की होगी, बेस बैंड का हो गया, आपका स्वैप करना, मतलब बहुत सारी समझा, फेस आईडी, मतलब बहुत सारी समझा, शायद मैं भी यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ. ठीक है तो आप देखो भाई, हम ज़्यादा बात इस वजह से करते हैं और आपको कोई भी चीज़ दें, अच्छी दें और अच्छी जानकारी मिले, चॉइस आपकी, जहाँ आपका मन पसंद करे वहाँ करे, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल. ठीक है तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और कुछ सर? सर आपको खाली बुलाने का यहाँ पे यही रीज़न था कि हम लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सके खाली. जी बिल्कुल. ठीक है और ये कोई किसी पे कोई वो प्रेशर नहीं है, हम लोग जो भी यहाँ पे जो हो रहा है ना कि रिलाई वीआरसी में क्या हो रहा है, खाली वही बताना चाहते हैं लोगों को. वो आपने भी देखा, बिल्कुल लाइव देखा हर चीज कि किस क्वालिटी का काम है, किस लेवल का काम है. ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम खाली काम करते हैं, बातें कम करते हैं. जी है ना. तो बस थैंक यू आपका बहुत बहुत, जो आपने टाइम निकाला और इतनी दूर आए और हमारे साथ टाइम एक्सपेंड किया, हमें भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है. तो थैंक्स फॉर कमिंग यार.